still want a 10, she a 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. And shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper. I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय फिटनेस गुरुजी। और आ गए हम एक और नई वीडियो लेके आपके लिए। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ म्यूजिक सुन के अपनी कमर का दर्द कम कर सकते हैं, उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना कि कैसे हम म्यूजिक थेरेपी के थ्रू अपनी कमर का दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही जानेंगे कि वो कौन सा म्यूजिक है जिसे सुनने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होती है, हमारा ब्रेन ग्रो करता है। और साथ ही जानेंगे वो कौन सा म्यूजिक जिसे सुनने से हमारा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एंजॉय द वीडियो। अगर आप जीवन भर तनाव से दूर रहना चाहते हैं और खुशहाल एक ज़िंदगी चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके संगीत से रिश्ता कायम कर लीजिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि संगीत सुनने से हमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी नींद की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि स्लीपिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, अगर आप सोने से 20 या 30 मिनट पहले धीमा संगीत सुनते हैं, यानी कि लाइट म्यूजिक सुनते हैं, तो इससे आपकी स्लीपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आपको काफ़ी राहत मिलती है। मगर अगर आप वहीं पर अगर रॉक एंड रोल और हार्ड म्यूजिक सुनते हैं, तो इसका परिणाम उल्टा हो सकता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। आइए और जानते हैं कि स्टडी में म्यूजिक कैसे हमारा हेल्प करता है, साथ ही वो हमारी ब्रेन की ग्रोथनेस के लिए कैसे लाभदायक है। अगर आप अपनी मनपसंद धीमा म्यूजिक सुनते हैं, तो इससे आपका पढ़ा हुआ आपको बेहतर तरीके से याद रहता है, साथ ही आपका मनपसंदा म्यूजिक आपको पढ़ाई में काफ़ी फोकस प्रदान करता है, जिससे आपकी याददाश्त काफ़ी बढ़ जाती है। दर्द चाहे शरीर में हो या मानसिक, बेहतर संगीत दोनों ही स्थितियों में मनुष्य के लिए लाभदायक रहता है। खासकर मानसिक परेशानियों की स्थिति में संगीत एक जादू की तरह काम करता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि असहनीय दर्द में जब शख्स को संगीत सुनाया जाता है, तो वो अपने दर्द की प्रतिक्रिया देना भूल जाता है। मसलन बीमार बच्चों को अच्छा संगीत सुनाए तो उन्हें इंजेक्शन लगाने के दौरान दर्द कम होता है। आइए और जानते हैं कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक में मददगार है संगीत। रोजाना सुबह शाम कुछ देर तक संगीत सुनने से उच्च रक्तचाप का स्तर सुधरता है, वहीं धीमा संगीत सुनने से स्ट्रोक की समस्या भी दूर होती है। एक अध्ययन के मुताबिक संगीत में 3 तंत्रिक तंत्र होते हैं, जिससे दिमाग सुकून मिलता है। स्ट्रोक की स्थिति में बिस्तर पर धीमा संगीत सुनने से आराम मिलता है। पीठ का दर्द भी कम कर सकता है म्यूजिक, यानी कि संगीत। बिल्कुल सही सुना गाइस आपने, धीमा संगीत सुनने से उच्च रक्तचाप और दिल की धड़कन भी धीमी हो जाती है, जिससे हम आराम महसूस करते और बेहतर सांस ले पाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों को बैक सर्जरी के बाद म्यूजिक थेरेपी दी गई थी, उनके बैक पेन में काफ़ी राहत और उनको काफ़ी फायदा हुआ है। तो गाइज, आपने देखा इस वीडियो में कि म्यूजिक सुनने, यानी कि संगीत सुनने से हमें कितने सारे फायदे होते हैं और कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रहे, हेल्दी रहे, एक्सरसाइज करते रहे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।